सरकारी नौकरी को लेकर देश के युवाओं में एक अलग ही जुनून देखने को मिलता है। आज हम आपके लिए एक ऐसे ही आईएएस अधिकारी की सफलता की कहानी लेकर आए हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर करने के लिए रेलवे की सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। इस आईएएस का नाम है अभिषेक सारफ। अभिषेक का यूपीएससी का सफर काफी लंबा रहा और वह लगातार इसके लिए प्रयास करते ही रहे। कई परेशानियां सामने आने के बाद भी उन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी और आखिर में सफलता हासिल कर ही। आइए जानते हैं अभिषेक सरफ की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की सक्सेस स्टोरी। मध्य प्रदेश के भोपाल के अभिषेक ने यूं तो अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं हासिल की, पर उनका यूपीएससी का सफर खासा लंबा और कठिनाइयों से भरा रहा। जैसे कि यूपीएससी एस्पिरेंट कहते ही हैं कि यह जर्नी हर मायने में खास होती है। अगर आप चयनित नहीं भी होते तो इतना कुछ सीख जाते हैं कि जीवन पहले जैसी नहीं रहता। आप एक इंसान के तौर पर बहुत इम्प्रूव कर जाते हैं। अभिषेक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि अभिषेक को यूपीएससी में उनकी मनचाही रैंक मिलने में 4 साल लग गए, इसलिए वे इसकी तैयारी के विषय में बहुत बारीकी से जान गए। एक एक हिस्से को वह इतनी अच्छी तरह से समझा देते हैं कि किसी नए एस्पिरेंट को ज्यादा कठिनाइयां ना हो। अभिषेक ने कानपुर आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद वे रेलवे में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्रेनी के पद पर काम करने लगे। यहाँ काम करने के दौरान ही कुछ कारणों से उनका यूपीएससी परीक्षा देने का मन हुआ। इस प्रकार शुरू हुआ अभिषेक का यूपीएससी का यह सफर, जो 4 साल बाद पड़ाव तक पहुँचे और साल 2019 में अभिषेक ने 8वीं रैंक हासिल की। अपने सफर के बारे में अभिषेक ने बताया कि तैयारी शुरू करने से पहले अपने लिए एक सपोर्टिंग ग्रुप जरूर बनाएं, जिसमें आपके परिवार वाले, कुछ खास दोस्त, आपके टीचर या मेंटर हो। यूपीएससी के सफर में जब आप बार बार डगमगाओगे तो ये लोग आपको ना सिर्फ संभालेंगे बल्कि दोबारा से मोटिवेट भी करेंगे। जीवन में ऐसे पॉजिटिव लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को सलाह देते हुए अभिषेक कहते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले अपना मन साफ कर ले कि आखिर आप यह परीक्षा देना क्यों चाहते हैं। अगर इसके पीछे तगड़ा कारण नहीं हुआ तो फिर पढ़ाई का मोटिवेशन बहुत दिन नहीं चलता। वे आगे कहते हैं कि यह सफर ऐसा है कि इसमें आपको निराशा होगी ही, डिप्रेशन भी होगा, हार भी मानेंगे, एंजाइटी भी होगी, गुस्सा भी आएगा और भी बहुत कुछ होगा। ऐसे में अगर आपका मोटिवेशन तगड़ा नहीं है तो आप कुछ दिन तो काम चला लेंगे पर उसके बाद पढ़ाई जारी नहीं कर पाएंगे। वे साफ कहते हैं कि चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, सभी को कभी ना कभी इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। पढ़ाई समझ नहीं आती, दिमाग थककर चूर हो जाता है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, अंक नहीं आते वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें आपके साथ होती ही रहेंगी। ऐसे में ब्रेक लेना, खुद को फिर से तैयार करना अलग बात है, पर यह फील्ड ही छोड़ देने का निर्णय लेना अलग। इसलिए सोच समझकर इस जंग के मैदान में कूदे। यहाँ आपको बहुत सी आहूतियाँ देनी होंगी, लेकिन अगर आपके पास पक्का मकसद है तो आपको यूपीएससी में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे, एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।